गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इसके व्लॉग्स पर मिला है। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि आज हमने कल चार ट्राली पटकी थी जैसा कि मैंने बताया था आपको, और आज हम पटकेंगे। आज देखते हैं गाइस, आज अभी हमने कल की जो एक भरी हुई रखी थी उसको खाली करनी है। अभी उसके बाद लेकर चलते हैं इस खेत में। आ गए हम जम्फल वाले खेत में। इसमें कुछ पुलिये रह गए हैं, 50 पुलिये, उनको लेके उसके बाद हमें चलना है वो नीचे वाले खेत में, ये आम वाले खेत में। तो गाइस, इसमें कितने भी भराएगी उसके बाद हमारे जितने भी तेजस गेहूँ है वो सारे हमारे घर के पास आ जाएंगे। और आज शाम को हड़म्बा थ्रेशर कंबाइन, वो थ्रेशर होती है ना, बड़ी वाली थ्रेशर, उसको बुलाकर, ट्रैक्टर वाली मशीन, उसको बुलाकर सारे निकाल देंगे। तो गाइस, चलिए आज व्लॉग यही रहेगा। तो सबसे पहले तो ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। तो गाइस, बहुत जल्दी, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। तो चलिए चलते हैं और ट्राली को खाली करते हैं, ब्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं हम रेडी हो गए हैं। रेडी क्या हो गए, हमने एक ट्राली पटक भी ली है। देखिए, इधर का जो खाली स्पेस था वो भर गया है। अब हम भैंस कहाँ से लाएँगे भैया, उसका भी कुछ करेंगे गाइस। तो अभी क्या है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ अनार के पास। थोड़ा थोड़ा जल्दी चलते हैं, थोड़ा भाग के चलना पड़ेगा गाइस। सीन कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप, अभी मेरा जो ट्राइपॉड है वो अनार दिख रहा सामने, वहाँ पे पड़ा है, क्योंकि लास्ट शॉट था जो वहीं पे किया था। ओ भाई, तमका जा रही है, है? तो गाइस, साथ साथ में हमारी जो दादी जी है वो जो पीछे पीछे जो गेहूँ, एक एक गेहूँ का जो फुंदा होता है, मतलब एक एक गेहूँ होते हैं वो ऊपर के सिरे से गेहूँ लगता है उसमें, तो गाइस उसमें से गेहूँ गिर जाते हैं। तो वो जो गेहूँ है बहुत सारी मात्रा में, क्या है कि रिपर ने छोड़ दिए थे, तो उसे थोड़ा बहुत बीनती हुई पीछे पीछे चलती है भाई। तो गाइस, मुझे फटाफट चलना होगा। गाइस देख सकते हैं, मम्मी फार लेके जा रही है यहाँ से। क्या है कि जो भी मैंने बताया था आपको कि जो भी उम्बी पड़ी रहती है उसको दादी जी बीन लेती है पीछे पीछे और ऐसे फाट भर देती है। तो गाइस देखिए आप, ये मेरे मोजे बंदे होते हैं हाथ में, दोनों हाथों में मोजे बंदे होते हैं, तो इसलिए मैं मोबाइल को ज़्यादा साथ लेकर नहीं घूमता। आपको कभी सभी रियल सीन बताता हूँ मैं, और बाकी सारा कुछ तेज़ करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ कहाँ और कैसे भर रहे हैं ट्राली को। तो गाइस देखिए, मेरे दो अंगूठे हो गए, इधर से मैंने निकाल लिया था क्योंकि ये मोजे से स्क्रीन चलती नहीं मोबाइल की। तो ठीक है, अभी हमने इधर से गाइस तेजस गेहूँ सारे समेट लिए हैं, यहाँ से सारा कुछ आप देख सकते हैं। वो खड़ा आपको दिख रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद, हमने सारे वहाँ पर हमारी तरफ बोलते भेड़ा कर लिया, मतलब इकट्ठे कर लिए सारे। तो गाइस, जो बच्चे कुछ दिख रहे हैं उसमें खेत में, वो जो हमारे पुलिये थे वो छूट गए थे मशीन द्वारा, चलते समय बांधते समय छूट गए थे वो डिस्पो दोरी से। तो गाइस, उसी को इकट्ठा कर करके लेके जा रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और उसे पल्ले में बांध बांध कर लेके जा रहे हैं। और जो पड़ी रहती है थोड़ी बहुत गेहूं की छोटी मोटी उम्बी, उसको भी बिन रहे हैं साथ में। कल जैसे मैंने चार सरी लगाई थी, ये दो सामने वाली पी गई है, और आप देख सकते हैं बोरिंग में काफ़ी कम पानी हो गया है। इस साल बारिश कम हुई थी, वाटर लेवल काफ़ी कम था, तो पानी काफ़ी कम हो गया है।
हालांकि अभी प्याज ही हमारे, बाकी प्याज भी गाइस बहुत ज़्यादा क्या है कि इधर से पानी पिलाते पिलाते चलते हैं तो इधर के सूख जाते हैं तब तक, तो पानी तो निरंतर चलाना पड़ेगा। तो अभी मैं सरी चेंज करता हूँ गाइस, देख सकते हैं इसमें हमने 5+ ट्रॉयली को पैक कर दिया, हमारी पूरी जगह को इकट्ठा कर दिया है सारे गेहूँ ये। अब यहाँ क्या है, पिछली बार भी यहीं पर थ्रेसर लगी थी ट्रैक्टर वाली बड़ी मशीन, और ये निकाल दिया था सारा सुखला। गाइस आज भी शाम को यही होगा, देखते हैं आती है कि नहीं, क्या कहते हैं मशीन वाले भैया हमारे सुरेंद्र चाचा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले तो ये सब पोशाक वगैरह निकालते हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद वही हमारा डेली का काम, भैंसों को पानी वगैरह पिलाना है। तो चलिए चलते हैं गाइस, ठीक है। हाँ तो गाइस हड़म्बा आ गई है सुरेंद्र चाचा की, और अभी तैयारी कर लिया है, 11 बजने वाला है, आज तो लेट नहीं हुई है। तो चलिए निकालते हैं हमारे गेहूँ जो दिन में बताए थे आप सभी को। गाइस सीन कुछ ऐसा है कि फिलहाल बज गए 3:15 और गेहूं निकल गए सारे हमारे, हमारा जो खड़ा है गेहूं का, गेहूं की जगह पूरी तरीके से खाली हो गई है। अब लोकवन गेहूं की बारी है, तेजस जो मालव शक्ति और पोषण गेहूं के जो क्रास है वो निकल गए सारे तेजस गेहूं। दो तरह के तो गेहूं बोए थे हमने, तेजस और क्या बोलते हैं वो लोकवन। तो गाइस लोकवन, अब लोकवन निकलेंगे कल से, लोकवन की इकट्ठा करने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो चले गाइस ब्लॉग एंड करते हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।